हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 35D को लेकर डील कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 35D कब कब एप्लीकेशन होता है, किस एसएससी पर एप्लीकेबल होगा और उसके प्रोविजंस मैंने डील किए थे। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और अमलगेमेशन वाले केस में 35D का क्या ट्रीटमेंट होगा यदि कंपनी का अमलगेमेशन होता है, और उससे कुछ रिलीवेंट कंसेप्ट को लेकर डील करेंगे। इससे रिलेवेंट कुछ केस लॉ भी है, बट केस लॉ हम आज डील नहीं करेंगे। केस लॉ हम दो तीन टॉपिक कवर करने के बाद मैं फिर केस लॉ को डील करूंगा। देखिए, आइए। तो टुडे इज डे 31, टुडे इज यू कैन से वीडियो 31, टुडे इज वीडियो 31 एंड टुडे वी आर डीलिंग विद सेक्शन 35D, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पार्ट टू। आज हम लोग प्रैक्टिकल सम डील करेंगे कि 35D का एप्लीकेशन कैसे होता है, और हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, काइंडली पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। तो without taking much time, I just start my class. Before starting my class, I request all my viewers to subscribe my channel so that you will get updates for you will get daily tax updates. You will get updates on taxation matters, and all these videos are relevant for CA final level, for CA final examination purpose. So I just start my class. सो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था 35D में मैंने आपको बताया था कि 35D एक प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू करते हैं 35D में मैंने क्या बताया था, किसको मिलेगा ये आपको बेनिफिट मिलेगा, किसको, जो आपका इंडियन कंपनी है या फिर जो रेसिडेंट कॉर्पोरेट एसएससी है या रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, जो रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है उसको मिलेगा या इंडियन कंपनी को मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के ऊपर मिलेगा। स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपका आ गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर आपका आ गया फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सारे मैंने प्रीवियस क्लास में डील किया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिर आपका आ गया मार्केट सर्वे, कंडक्टिंग एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हुआ इस सब को लेकर, मार्केट सर्वे, फिर आपका आ गया इंजीनियरिंग सर्विसेस जो भी आपका नया प्लांट को बनाते हो, इरेक्शन करते हो, जो कुछ भी होगा, और एक आपका था लीगल फीस में जो ड्राफ्टिंग ऑफ MOU, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे लीगल फीस इसमें कवर्ड हो जाएंगे, तो ये पांच तरह के खर्चे आपके ये पांच तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं, और ये यदि स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर एसएससी कर रहा है किस लिए कर रहा है, एक तो कर रहा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और दूसरा क्या, यदि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहा है तो फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट और एक्सटेंशन ऑफ न्यू अंडरटेकिंग। समझ में आया, आफ्टर कमेंसमेंट के लिए दो बातें थी, आफ्टर कमेंसमेंट के लिए कब कब मिलेगा, आफ्टर कमेंसमेंट के बाद यदि आप ये खर्चा करते हो तो किस लिए मिलेगा, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट एंड एक्सपेंशन ऑफ अंडरटेकिंग। यदि अंडरटेकिंग आप एक्सपेंशन करते हो, जैसा भी करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप नया किसी का अलग जगह आप नया यूनिट इस्टेब्लिश करते हो वो करो, या फिर आप नए प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, नया कोई आप पोर्टफोलियो को इंक्रीज करो, तो जो कुछ भी, तो इसके ऊपर आपको 35D का बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो आप स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर कर रहे हो इस सब आइदर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट के बाद सेटिंग ऑफ न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ अंडरटेकिंग, ये खर्चे का छूट मिलेगा, कैसे मिलेगा, 35D में आपको वन फिफ्थ एवरी ईयर मिलेगा। इसका एक खर्चे का एक लिमिट था, लिमिट क्या है, लिमिट क्या था
ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में डील किया था। आज आज जस्ट आपको मैं एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ। लिमिट क्या है? लिमिट आपका है जो खर्चा कितना का छूट मिलेगा, मिलेगा आपका यदि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यदि कॉर्पोरेट एसएससी है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड, व्हिच इवर इज हायर। ये आपका लिमिट है, लेकिन छूट कितना का मिलेगा? इस लिमिट से यदि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है तो कम मिलेगा, इस लिमिट से यदि एक्चुअल एक्सपेंडिचर अधिक है तो लिमिट तक ही मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मैंने इसके ऊपर बताया भी था, एक बर्जर पेंट के केस को लेकर मैंने डील किया था। काइंडली प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए यदि आप नहीं देखे हो तो। मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज हम लोग एक सम के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। आज हम लोग एक सम के थ्रू देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड एग्जांपल वन, देखिए एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड सितंबर 2022 में एक नया कंपनी शुरू किया गया। ठीक है, नया कंपनी शुरू किया गया। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या खर्चे हुए थे, इसमें क्या क्या खर्चे किए गए थे, एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन दैट इज 92,000। ठीक है, और क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मेरे साथ आप लोग भी चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये आपका था 1,40,000। नेक्स्ट था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज। कुछ आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज लिए थे, इसका मतलब प्रोजेक्ट को आइदर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, इरेक्शन ऑफ प्लांट, इसमें कुछ लिए थे। कितना था आपका? ये आपका नॉट अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बोर्ड ने इसको अप्रूव नहीं किया। एक्सपेंसेस इज रुपीज 1,30,000। देखिए अब क्या हो गया, अब आपका देखिए, अब मैं फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट जो बनाया गया था वो कितना का था? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में इज रुपीज 55 लाख। 55 लाख के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थे। शेयर कैपिटल, ये था आपका शेयर कैपिटल था 40 लाख का, और डिवेंचर था 12 लाख का। ये लॉन्ग टर्म डिवेंचर है, मोर देन 7 इयर्स, 7 इयर्स से अधिक है। ठीक है, मोर देन 7 इयर्स, 7 इयर्स से अधिक। मैंने आप लोग को बताया भी था, लॉन्ग टर्म में यदि इंडिया में लेते हो तो 5 इयर्स, इंडिया के बाहर यदि लेते हो तो 7 इयर्स। तो ये आपका 7 इयर्स है। अब मैं आपको बताऊं जो मैंने बताया था 35D को, उसको अभी मैं डील करता हूं। देखिए, हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 55 लाख। How much the capital employed? 40 lakh plus 12 lakh. Total is, how much is the capital employed? अच्छा एक मिनट, इसमें डिवेंचर था 12 इयर्स का, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग था 8 लाख रुपीज का। ये आपके 7 इयर्स का थे, मैंने डिवेंचर एक पॉइंट मिस हो गया था। डिवेंचर का कोई लिमिट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए होता है कि यदि आप इंडिया में बोरो करते हो तो 5 इयर्स, यदि फॉरेन कमर्शियल, यदि फॉरेन कंट्री में मैं बोरिंग करते हो तो 7 इयर्स या मोर होना चाहिए। ये इंडिया का बोरिंग एज्यूम कर लीजिए और 7 इयर्स है। अब मुझे ये बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितने होंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या कहा था, शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो कितना हो गया? 40 plus 12 plus 8, 60 लाख। अब मुझे ये बताइए एलिजिबल, ये आपका लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, लिमिट कितना बताइए? तो 55 और 60, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिच इज मोर, तो क्या होगा? 60 का 5% कितना होगा? 60 लाख का 5% इक्वल टू 3 लाख रुपीज
3 लाख रुपीज। अब हमको देखना पड़ेगा ये आपका टोटल लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इतना खर्च कर सकते हो, इतना खर्च के ऊपर आपको छूट मिल सकता है, बट डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपने कितना खर्च किया था। देखिए क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितना है, मैंने वो बताया था स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर जो 5 या 6 हेड मैंने बताए थे। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले देखिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 92,000, ये आ गया। प्लस में क्या आया, प्रिपरेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1,40,000। और एक बात ये बताइएगा, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है क्या ये अप्रूव है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑल एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा एक्सपेंडिचर अप्रूव होना चाहिए, बट ये तो अप्रूव नहीं है। तो कितना हो गया, 92,000 प्लस में 1,40,000, टोटल इज 2,32,000। अब मुझे ये बताइए बिजनेस स्टार्ट किस ईयर हुआ है, बिजनेस स्टार्ट सितंबर 22 को हुआ है, तो आपका प्रीवियस ईयर 22-23 से लेकर 5 ईयर्स तक आपको छूट मिलेगा। कितना का मिलेगा, 2,32,000 इज लेस देन 3 लाख, सो 2,32,000 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, ये आपका आ गया 46,400। ये आपको एवरी ईयर छूट मिलेगा अप टू फाइव ईयर्स, ये आपको एवरी ईयर छूट मिलेगा अप टू फाइव ईयर्स। मेरे ख्याल से जो भी कंसेप्ट मैंने डील किया था वो कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो कंसेप्ट मैंने डील किया था अभी आपको वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझिए हम और कुछ हायर लेवल पर जाते हैं, हम कुछ और हायर लेवल कंसेप्ट को डील करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करते हैं। यदि मान लीजिए मैंने कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज लिया है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने क्यों लिया, इंजीनियरिंग का जो मैंने बेनिफिट लिया था, सर्विस मैंने लिया था फॉर इरेक्शन ऑफ प्लांट, तो जो इरेक्शन ऑफ प्लांट होता है, वो तो प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर हम उसको 35D में ले जाए, या उसको प्लांट मशीनरी के एक्चुअल कॉस्ट को इंक्रीज कर दे। हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत सारे इसके, जब मैंने डील किया था एक्चुअल कॉस्ट को लेकर, तो मैंने डील किया था कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो भी आप खर्च करते हो वो आपका एड होता है फिक्स एसेट्स के वैल्यू में, वो आपका ऐड हो जाता है और आप उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो चलो मैं एक हाइपोथिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लीजिए ये 100 करोड़ था, 100 करोड़ का 5% 5 करोड़ रुपीज, समझ में आया। तो ये आपका इलिजिबल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। देखिए तो ये 5 करोड़ रुपीज मैक्सिमम आप बेनिफिट क्लेम कर पाओगे यदि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 100 करोड़ का होगा तो, समझ गए। अभी देखिए क्या हुआ था, आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था जो मार्केट सर्वे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्केट सर्वे ये सब मिला के आपका एक्सपेंडिचर था 4.5 करोड़ का, और आपका एक इंजीनियरिंग सर्विसेज था ये आपका था 3 करोड़ का। अब मुझे ये बताओ यदि इस कंसेप्ट में ऐसा है तो ये आपका मार्केट प्रोजेक्ट हो गया 4.5 करोड़ और इंजीनियरिंग हो गया 3 करोड़, मुझे अब ये बताओ जो टोटल कितना का छूट मिलेगा, टोटल आपको 35D में 5 करोड़ का ही मिलेगा, टोटल 35D में 5 करोड़ का ही मिलेगा। यहाँ पर टोटल आपका हो रहा है 4+3 7.5 करोड़, ये अप्रूव्ड है, सारे के सारे एक्सपेंसेस अप्रूव्ड है। किसी बच्चे का डाउट होगा, लास्ट जो प्रीवियस मैंने नहीं लिया था वो इसलिए क्योंकि वो अनअप्रूव था, वो बोर्ड द्वारा अप्रूव किया, बट ये अप्रूव्ड है। तो टोटल 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ का ही छूट आपको मिलेगा, क्योंकि इलिजिबल आपका 5 करोड़ ही है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो 2.5 करोड़ था वो पानी में चला जाएगा, 2.5 करोड़ का बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा, 2.5 करोड़ का छूट आपको अदर किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा, 35D में तो मिलेगा ही नहीं, बाकी अदर किसी में भी नहीं मिलेगा।
अब क्या आ गया। सभी राइटर्स के अपने अपने व्यू है। जो भीके सिंघानिया, विनोद कुमार सिंघानिया जी है, उनका अपना व्यू है कि जो हम इंजीनियरिंग सर्विसेज को उससे जो रिलीवेंट खर्चा हुआ था हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे, और जो एसेट्स का जो वैल्यू है, जो फिक्स एसेट जो क्रिएट हो रहा है, उसका वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया? मतलब बीके सिंघानिया जी के क्या कहते हैं, बीके सिंघानिया जी कह रहे हैं यदि कभी ऐसा पोजीशन आ जाए तो उस केस में जी ये जो 3 करोड़ रुपीज है, दैट शुड बी एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और हम बेनिफिट कितना का लेंगे? हम बेनिफिट 4.5 करोड़ का ही बेनिफिट लेंगे। और इसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, जो मुझे एसेट्स के लाइफ में मिलता रहेगा। एटलीस्ट ये जो 2.5 का एक्सेस लॉस हो रहा था वो तो मेरा लैप्स नहीं जाएगा, तो इस तरीके से एक व्यू ऐसा भी निकाला जा सकता है कि हम ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए जैसे आप 3 करोड़ को आप इसके एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कीजिएगा, तो मैंने आपको क्या कहा था, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, 100 करोड़ था, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 100 करोड़ था। जैसे ही आप 3 करोड़ को आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दोगे, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा वो आपका 103 करोड़ हो जाएगा। तो आपका स्लैब भी बढ़ जाएगा, तो 103 करोड़ का जो 5% होगा आपको इतना बेनिफिट यहां पर मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इसको एक नोट्स के रूप में आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखाता हूं। काइंडली मेरे साथ में आप लोग भी लिखिए, नोट्स के रूप में आपको मैं लिखाऊंगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे साथ में आप लोग भी लिखिए। देखिए, इफ देयर इज एनी इंजीनियरिंग सर्विसेस on erection of plant, and there is any excess expenditure, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, any excess expenditure which shall be ignored या which shall not be allowed, under section 35D। उस केस में क्या कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा, उसको आप कैपिटलाइज कर दीजिए, उस एक्सपेंडिचर को आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, then capitalize या एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट, then capitalize इंजीनियरिंग सर्विसेस, आप लोग स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, then capitalize the cost of engineering services with the value of assets, जस्ट मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था उसी को मैं एक अपने लैंग्वेज में तोड़ फोड़ के मैंने आपको बताया। आपका लैंग्वेज इससे बेटर भी हो सकता है, बट मीनिंग क्या हुआ आपको समझ में आ गया। ऐसे करने पर क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज अलाउएबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि तब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, एंड यू कैन क्लेम डिप्रिसिएशन ऑल्सो, इट इंक्रीज अलाउबल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक टैक्स प्लानिंग था, ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, ये एक टैक्स प्लानिंग था कि यदि आपका खर्चा अधिक हुआ है तो जो इंजीनियरिंग का खर्चा है आप उसको कैपिटलाइज कर दो, पैसा वेस्ट क्यों जाएगा, टैक्स प्लानिंग कीजिए भाई, पैसा वेस्ट क्यों जाएगा। ठीक है, आइए आगे डील करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, अभी देखिए
फिनेंस एक्ट 2020 में क्या हुआ था, फिनेंस एक्ट 2020 में जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है, फिनेंस एक्ट 2020 में क्या होता था, पहले रिटर्न ऑफ इनकम का लास्ट डेट हुआ करता था 30 सितंबर, 30 सितंबर को रिटर्न ऑफ इनकम का लास्ट डेट हुआ करता था। बट क्या हुआ, इसको कैंसिल करके कितना हो गया, 31 अक्टूबर हो गया, 31 अक्टूबर हो गया। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि आप 30 सितंबर तक जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है और बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो आपका 80IA, 80IB, 80IA, 80IB और 35D, 35D का बेनिफिट जब आप फर्स्ट टाइम क्लेम करते हो तो आपको रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे रिपोर्ट आप 30 सितंबर तक फाइल कर दीजिए, ताकि जब आपका 31 अक्टूबर को जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे, जैसे आप 30 सितंबर तक फाइल कीजिएगा, एक वीक के अंदर में, 5-7 दिन के अंदर में ये सारे डेटा आपके रिटर्न में ऑटो फिलअप हो जाएंगे, ये सारे डेटा आपके रिटर्न में आ जाएंगे और आपको रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। इसीलिए 30 सितंबर तक ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। ये आपका फिनेंस एक्ट 20 से अमेंडमेंट किया था, ऑल सच रिपोर्ट 30 सितंबर तक आपको फाइल करना पड़ेगा, ये सारे रिपोर्ट आपको 30 सितंबर तक फाइल किया करना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, पर्पस क्या था, गवर्नमेंट ने क्यों लाया इसको, फॉर प्रीफिल्ड योर रिटर्न, पर प्रीफिल्ड रिटर्न, आपका रिटर्न प्रीफिल्ड हो उसके लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, अब मैं नेक्स्ट में आप डील करते अमेलगेमेशन। इन केस यदि अमेलगेमेशन होता है, तो अमेलगेमेशन में क्या होता है, सपोज कीजिए ये अमेलगेमेटिंग कंपनी है जो नॉन एक्सिस्टेंट हो जाएगी, और ये आपका अमेलगेमेटेड कंपनी, है। फॉर एग्जाम्पल अमेलगेमेशन हो रहा है 1 फर्स्ट 2022 को, 1 सितंबर 2022 को अमेलगेमेशन हो रहा है, क्या होगा, जो आफ्टर अमेलगेमेशन और अमेलगेमेटिंग के हैंड में कुछ 35D के एक्सपेंडिचर है, जो मैंने क्या कहा था ये 5 ईयर्स तक मिलता है, सपोज करो 2 ईयर्स निकल चुके हैं, 3 ईयर्स और क्लेम करने, तो क्या ये 35D का बेनिफिट अमेलगेमेशन के बाद अमेलगेमेट कंपनी को मिलेगा, क्या 35D का बेनिफिट मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर अमेलगेमेशन लिखिए, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ, आफ्टर अमेलगेमेशन डिडक्शन अंडर 35D बैलेंस ऑफ डिडक्शन, मैंने क्या कहता है अपने लैंग्वेज में मैं इसको लिख रहा हूं, इसलिए इसको मतलब चाहो तो आप लोग कुछ चेंज भी कर सकते हो, बैलेंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D वुड बी क्लेम्ड, बाय अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेशन के बाद ये जो छूट है ये आपका अमेलगमेटेड कंपनी इसको क्लेम कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। आई होप आपको 35D समझ में आया होगा, मैंने इसको बहुत एलाबोरेटली डील किया है। जो लोग CA इंटर के बच्चे हैं, जो लोग CA फाइनल के बच्चे हैं, CMA या एडवोकेट्स है या CA प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी के लिए रिलीवेंट है। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग।